नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आई होप आपने इसके प्रीवियस अपलोडेड वीडियोस देख लिए होंगे, नॉट ओनली ऑफ द इंडियन इकोनॉमी बट द ज्योग्राफी पॉलिटी बाय एम लक्ष्मी कांत, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अ वेरी अमेजिंग प्लेलिस्ट इज अवेटिंग फॉर यू इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज मस्ट विजिट द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। इन दिस लेक्चर वेयर वी आर गोइंग टू टॉक, जिसमें हम बात करने वाले हैं अबाउट द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे उसके जो करंट अपडेट्स हैं, माइट बी पॉसिबल आप 2019-20 में देख रहे हैं, माइट बी पॉसिबल यू आर लुकिंग एट 2020-2021 इन 2022। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका करंट डाटा हमेशा अवेलेबल रहेगा, इसलिए डिस्क्रिप्शन को विजिट करना मत भूलिएगा। वापस लेके चलता हूं आपको आज के टॉपिक पे जिसका आपको इंतजार है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें से हर साल लगभग यूपीएससी एक क्वेश्चन उठाता है। यहां पे इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन में आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विदाउट एनी डिले कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये किस तरीके के पेमेंट की बात कर रहा है। क्या ये डेबिट की बात करता है, जिस देश से पैसा डेबिट होना मतलब चले जाना, या ये क्रेडिट की बात करता है कि किसी देश में पैसा आ जाना। तो हम देखेंगे ये दोनों की बात करता है। फिर हम देखेंगे कि ये कैसे एक तरीके का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। फिर हम ये देखेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में दोस्त कितने तरीके के कंपोनेंट आते हैं, मतलब कि कितनी तरीके से एक देश से पैसा दूसरे देश में जा सकता है और कितनी तरीके से किसी भी दूसरे देश से पैसा हमारे देश में आ सकता है। हम यहां पे देखेंगे इसकी डेफिनेशन को डीकोड करके कि एक रिलेशनशिप होती है बिटवीन द रेसिडेंट एंड द नॉन रेसिडेंट या फिर आउटसाइड द वर्ल्ड। इसके बाद हम अलग अलग कंपोनेंट्स में भी जाके देखेंगे कि किसमें हमारी कंट्री अच्छा परफॉर्म करती है, किसमें हमारी कंट्री को वी नीड टू वर्क मोर हार्ड टू मेक इट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। हम यहां पे जो अक्सर न्यूज़पेपर में बात सुनते हैं अबाउट द ट्रेड डेफिसिट कि इंडिया और चाइना के बीच में इतना ट्रेड डेफिसिट है, और वो जो ट्रेड डेफिसिट है वो हमारे अगेंस्ट है, क्योंकि ये भी हो सकता है ना कि हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं और चाइना ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है, तो ट्रेड डेफिसिट हमारे फेवर में हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं होता, हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं चाइना से बजाय कि हम एक्सपोर्ट करने के। तो ये जितनी भी चीजें हैं, इसके जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेक्स चेंजेस, एरर्स एंड ओमिशंस, इन सब पे बहुत ही इलैबोरेटली हम डिस्कस करने वाले हैं। एक बहुत ही ब्रीफ था ये आप लोगों के लिए, अब शुरू करते हैं इसकी टेक्निकलिटीज में चलते हैं। देखो, सबसे पहले तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन होता है एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। ये एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है। दोस्तों देखो, रिकॉर्ड बहुत तरीके के होते हैं। अगर आप किसी कंपनी को ओन करते हो, आई होप क्योंकि आप स्टूडेंट हो तो नहीं करते होगे, मटन मान लीजिए कि आप किसी एक कंपनी को ओन करते हो, आप हर साल अपनी एक फाइनेंशियल शीट जरूर बनाते होगे, जिसमें प्रॉफिट लॉस, कितना हमने माल बेचा, कितना हमने रॉ मटेरियल खरीदा, वो सब रहता होगा उस फाइनेंशियल शीट में। तो ये बेसिकली क्या है, वो एक्सेल शीट आपका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, आपकी कंपनी के ट्रांजेक्शंस का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। उसी तरीके से दोस्तों देखिए, अगर आपको किसी कंट्री को, ठीक है, किसी कंट्री को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता करनी है, इकोनॉमिक पोजीशन पता करनी है कि हम बाहर के देशों में कितना माल बेच रहे हैं, कितना माल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इनको भी एक ऐसे रिकॉर्ड की आपको नहीं लगता कि जरूरत होगी, ऑफकोर्स होगी। इसी कारण से हर कंट्री एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड सारे ट्रांजेक्शंस का मेंटेन करती है, यही होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो वापस चलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है। अब ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड किसका होगा, ये मैं आपको समझा चुका हूं, टेक्निकलिटी में सिस्टम रिकॉर्ड होगा सारे इकोनॉमिक और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का। देखो दोस्तों, कई जगह आपको यहां पे फाइनेंशियल वर्ड ऐड नहीं मिलेगा, क्योंकि फाइनेंस का जो पार्ट है इट्स वन ऑफ द सब कंपोनेंट ऑफ द इकोनॉमी, मतलब कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस आते हैं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस के अंदर। तो कई जगह आपको सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन भी मिलेगा, कई जगह आप ऐसा पढ़ोगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन द रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स, समटाइम्स
they also use between residents and rest of the world in a specified period of time. ठीक है, आपको स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन रेसिडेंट्स नॉन रेसिडेंट, जब मैं ये बता रहा हूं, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे तो आपको जरूर कुछ चीजें सिमिलर लग रही होंगी जीडीपी से, क्योंकि जीडीपी की डेफिनेशन क्या होती है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा, उसके जैसा ही कुछ लग रहा है बेसिकली. हाँ, मगर बहुत डिफरेंस है. वापस देखिए, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है किसका, सारे इकोनॉमिक और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का. अब मैंने दो अलग क्यों लिखे, आपका सवाल होगा. दोस्तों, इकोनॉमिक में बेसिकली हम लेते हैं गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, मतलब जो गुड्स या तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंपोर्ट कर रहे हैं, जो सर्विसेज या तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंपोर्ट कर रहे हैं. वही फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में बेसिकली लिया जाएगा इसको, मतलब और सिंप्लीफाइड वर्जन में प्रेजेंट कर पाऊं इसलिए मैंने दो टर्म लिखी. फाइनेंशियल में लिखा जाएगा कि कितना पैसा या तो डेबिट हुआ या कितना पैसा क्रेडिट हुआ, ठीक है. इस कारण से देखो, ट्रांजेक्शन दो ही चीजों से होंगे, या तो आप कोई चीज भेज दोगे या पैसा दे दोगे, ठीक है. तो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है बिटवीन रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. आई होप आप ये डेफिनेशन तो कभी नहीं भूलोगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट की, ठीक है. तो अब दोस्तों, ये जो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं, ये चार तरीके के कंपोनेंट में हमने डिवाइड करे हुए ताकि हम सिंप्लीफाइड वे में इसको पढ़ पाए, नहीं तो बहुत टफ हो जाता ना, कि कभी गुड आ रहा है, कभी सर्विस आ रही है, कभी कोई लॉन्ग टर्म लोन ले रहे तो किसमें डाले, इंटरेस्ट पे कर रहे तो किसमें डाले, समझ ही नहीं आता. तो हमने बहुत सिंप्लीफाइड वे में इसको क्या करा, बना दिया कि एक को बोलेंगे करंट अकाउंट, एक बोलेंगे फॉरेक्स चेंजेस, एक बोलेंगे एरर्स एंड ओमिशंस. एरर्स एंड ओमिशंस बहुत आसान है, सबसे पहले तो यही समझ लो. एरर्स एंड ओमिशंस क्या होती है, जैसे अगेन आपकी एक कंपनी है, आपने अपना एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाया किसका, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस का, उसमें हमेशा कुछ ग्लिचेस आते हैं, ठीक है, कभी कुछ कम हो जाएगा, कभी कुछ ज्यादा हो जाएगा. तो क्या होता है, उन चीजों को हटा के एक इक्वलिटी लाने के लिए एरर्स एंड ओमिशंस करते हैं, ठीक है. इसको अब बैलेंस ऑफ पेमेंट की टर्म्स में समझाने की कोशिश करता हूं. देखो दोस्त, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो हमारी कंट्री में तो हो नहीं रहा है, हम किससे कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इंडिया है, ठीक है, इंडिया ने यूएस को पैसा दिया. यूएस को पैसा क्यों दिया, एग्जाम्पल ले लो कि यूएस से हमने एक एप्पल एप्पल पैड जो है, ठीक है, वो खरीद लिया, एक आईफोन खरीद लिया. यूएस से आईफोन खरीदा इंडिया ने, इंडिया ने रुपए दे दिए डॉलर की टर्म्स में, ठीक है, यूएस को. पैसा इंडिया से डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ, डेबिट हो गया, ठीक है. अब इंडिया से जो पैसा डेबिट हुआ वो यूएस में क्रेडिट हुआ या डेबिट हुआ, वो यूएस के जब अकाउंट आएगा फाइनेंशियल सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, तो यूएस में ये चीज क्रेडिट में दिखाएगा और ये चीज इंडिया में किसमें दिखाएगा, डेबिट में, ठीक है. अब एक कंट्री तो है नहीं, इंडिया यूएस को दे रहा है कोई चीज, इंडिया यूएस से कुछ चीज ले रहा है, यूएस जापान को दे रहा है, जापान से इंडिया ले रहा है. ऐसे जब सारी कंट्रीज का बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को आप एक जगह रख के जिसमें से डेबिट हुआ जिसमें क्रेडिट हुआ ऐसे सब देखोगे तो ये जीरो आएगा, आना भी चाहिए. क्यों, क्योंकि एक कंट्री से जो पैसा डेबिट हो रहा है वो दूसरी कंट्री में क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, ऐसा हर देश के साथ होगा. तो जब आप सब चीजें प्लस कर दोगे तो ऑब्वियसली तो जीरो ही आएगा ना. अब आपको समझ में आया, बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर पूरे वर्ल्ड का निकालेंगे तो जीरो क्यों आएगा. वापस से एक सवाल पे लेके चलता हूं कि ये तो हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट देख लिया कि अगर पूरी पूरे वर्ल्ड का अगर हम निकाल लें तो ये कैसे जीरो आएगा. मगर अभी हम पढ़ क्या रहे, अभी हम पढ़ रहे हैं कि जो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हम निकालना चाह रहे हैं, मतलब कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं सारे ट्रांजेक्शन की, भले ही वो इकोनॉमिक हो या फिनेंशियल हो. इस कारण से हम बोलते हैं कि हमारे यहां जो टोटल वर्ल्ड का बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमेशा जीरो आएगा, ठीक है. आपको इतनी बात समझ में आई, मतलब हम डेफिनेशन पूरी समझ चुके. तो अब जो मैं आपको बता रहा हूं कि जीरो तो आना चाहिए, ठीक है, मगर कभी कभी कुछ कंडीशंस में दोस्तों ऐसा होता है कि जीरो नहीं आता. क्यों, क्योंकि ग्लिचेस आ जाते हैं कभी कुछ ऊपर नीचे. तो बेसिकली ये जो ग्लिचेस आते हैं, और जीरो तो आना ही चाहिए टेक्निकली, तो इन एरर्स एंड ओमिशंस में वो ग्लिचेस को हम दूर कर देते हैं. इस कारण से इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये फाइनेंशियल वाले लोग देख लेते हैं. यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर
एरर्स एंड ओमिशंस बहुत बार हमको समझ में नहीं आता, इस कारण से मैंने बहुत सिंपलीफाइड वे में आपको समझा दिया कि कैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरे वर्ल्ड का जीरो आना चाहिए, मगर कभी कभी अगर नहीं आता तो एरर्स एंड ओमिशंस में उसको डाल दिया जाता है। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं आपके कोर कॉन्सेप्ट पे जहां से क्वेश्चन उठते हैं, करंट अकाउंट, फॉरेक्स चेंजेस और कैपिटल अकाउंट। देखो दोस्त, अगेन कितने तरीके से ट्रांजेक्शन होते हैं, इकोनॉमिक होगा या फिनेंशियल होगा। इकोनॉमिक मतलब मैंने क्या बताया था, गुड्स एंड सर्विसेज। अब करंट अकाउंट में दो तरीके से आप या तो चीजों को लोगे, चीजें खरीदोगे या चीजें बेचोगे, मतलब इंपोर्ट करोगे या एक्सपोर्ट करोगे। कैसे, या तो आप विजिबल चीजों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे या इनविजिबल चीजों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे। विजिबल चीजें मतलब क्या होती हैं, जिसको आप देख पाओ। जैसे मान लो आपने एक कार जो है वो नेपाल को बेच दी, एक कार जर्मनी को बेची, कार बेच रहे हो, कार को देख सकते हो या नहीं देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो। तो ये विजिबल में आएगा या इनविजिबल में आएगा, एग्जैक्टली विजिबल में आएगा। मान लो आपने प्याज पाकिस्तान को सप्लाई, नहीं पाकिस्तान को करना ही नहीं है, एक काम करो बांग्लादेश को सप्लाई करें, ठीक है, प्याज बांग्लादेश को दिए, देख सकते हो विजिबल में आएगा इनविजिबल में आएगा, एग्जैक्टली विजिबल में आएगा। अब मान लो कि आप बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ के इकोनॉमी के बहुत बड़े ज्ञाता बन गए, सपोजेडली यू बिकम एन इकोनॉमिस्ट आफ्टर नोइंग ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आपको येल यूनिवर्सिटी में बुला लिया कि आओ दोस्त लेक्चर दो। अब मान लो येल यूनिवर्सिटी में आपने लेक्चर दिया तो दे विल पे समथिंग फॉर यू, ठीक है, इन मॉनेटरी टर्म्स। तो आपने पैसा कमाया येल यूनिवर्सिटी में लेक्चर देके, मगर क्या वो चीज देख सकते हो आप, मतलब आपने जो सर्विस प्रोवाइड करी, जो आपने वहां पे बच्चों को पढ़ाया, क्या वो देखी जा सकती है चीज? आपने कोई चीज बेची तो है वहां पे, अपना इंटेलेक्ट बेचा है, मगर क्या वो देख सकते हो? नहीं। तो विजिबल में आएगा या इनविजिबल में आएगा? एग्जैक्टली ये आएगा इनविजिबल में। तो देखो यहां पे सर्विसेस लिखा हुआ है, ठीक है, और भी कंपोनेंट है, इसको मैं बताऊंगा। तो वापस आता हूं, हम बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ रहे थे, हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, हमने इसके कंपोनेंट में एक सबसे आसान कंपोनेंट था ये डिस्कस कर लिया। दूसरे कंपोनेंट में हम आए करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में हम वो सारे तरीके के ट्रांजेक्शन्स लेते हैं जो शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन होते हैं। अब ये क्या है शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन? बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हो करीब करीब जो एक साल से कम के ट्रांजेक्शन होते हैं ना, उसको शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन आप बोल सकते हो। इसको हम लेते हैं करंट अकाउंट के अंडर में, ठीक है, करंट अकाउंट शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन। इसमें फर्दर हमने दो डिवाइड करे, क्या विजिबल और इनविजिबल। विजिबल में क्या आ जाएगा, जैसे जो ट्रेड आप पढ़ते हो ना कि इतना सामान चाइना को बेचा, इतना सामान चाइना से खरीदा, ये क्या होता है गुड्स होते हैं, तो ये आता है ट्रेड अकाउंट में, ठीक है। कई बार आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे तो मर्चेंडाइज अकाउंट पढ़ोगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख के दिया भी है कि देखो कितना मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करा है हमने लास्ट 10 साल में, कितना मर्चेंडाइज का इंपोर्ट करा है 10 साल में। तो ये सब चीजें किसमें आएगी, विजिबल में। इसके बाद में बात करते हैं इनविजिबल, ठीक है, मगर उसके पहले मैं आपको समझाता हूं कि ये साइन क्यों बनाए हुए मैंने, ठीक है, ये साइन क्या है दोस्तों। ये साइन ये है कि जो विजिबल हम लोग ट्रेड करते हैं ना, मतलब जो सामान बेचते हैं और जो सामान खरीदते हैं, तो हमारा जो विजिबल वाला पार्ट है करंट अकाउंट में ये होता है नेगेटिव। अब ये नेगेटिव का मतलब क्या है कि हम जो ट्रेड मतलब जो गुड्स बेचते हैं वो कम बेचते हैं विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट वी इंपोर्ट। तो जब भी याद रखना, इंपोर्ट जब भी आपका ज्यादा हो जाएगा एक्सपोर्ट से तो इट विल लीड टू द ट्रेड डेफिसिट, और अगर इसका उल्टा हो जाए कि एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट तो ये हो जाएगा ट्रेड सरप्लस, ठीक है। तो आज की सिचुएशन क्या है, वी इंपोर्ट मोर देन व्हाट वी एक्सपोर्ट एंड सो वी हैव द ट्रेड डेफिसिट। तो ये जो विजिबल वाला पार्ट है इसमें हम कमजोर हैं, इस कारण से यहां पे मैंने नेगेटिव लिखा हुआ है। और मैं जब आपको इनविजिबल पढ़ा दूंगा तो मैं आपको ये बताऊंगा कि विजिबल और इनविजिबल वाले पार्ट को मिला के अगर हम ओवरऑल ये चीज देखते हैं हमारे करंट अकाउंट को, तो हमारा करंट अकाउंट इन ऑल नेगेटिव आता है। और वहीं जब मैं करंट अकाउंट से आपको कैपिटल अकाउंट पे लेके चलूंगा तो भी ये बताऊंगा कि हमारा कैपिटल अकाउंट जब हम सारी चीजें इसके कंपोनेंट पढ़ लेंगे तो मैं बताऊंगा कि देखो कैपिटल अकाउंट जो है ये ओवरऑल सरप्लस होता है, इस कारण से मैंने यहां पे प्लस लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी तो करंट अकाउंट पे स्टिक करते हैं, वापस से एक बार रिवीजन। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड किसका, फाइनेंशियल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस किसके बीच में, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट या फिर रेसिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड किसमें, ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ये डेफिनेशन थी, चार कंपोनेंट पढ़ना है, एरर्स एंड ओमिशंस पढ़ चुके हैं,
करंट अकाउंट ओवरऑल नेगेटिव होता है. करंट अकाउंट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन. करंट अकाउंट में दो पार्ट होते हैं, विजिबल इनविजिबल. विजिबल में हम देख सकते हैं, उन गुड्स को लेते हैं, देख लिया, ओवरऑल नेगेटिव होता है विजिबल वाला पार्ट. अब बात कर रहे हैं इनविजिबल पे. इनविजिबल में दोस्तों आता है सर्विसेस, ठीक है, इनकम और ट्रांसफर. सबसे पहले सर्विस ले लेते हैं, सबसे आसान है. आपके जितने भी दोस्त हैं 10 में से 6 लोग सर्विसेज सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट. मैं ये जानता हूं कैसे, क्योंकि हमारी सर्विस सेक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग मैक्सिमम टू द जीडीपी. हमारे यहां इतने लोग टीसीएस में इन्वॉल्व है, ठीक है, एसोसिएटेड है, वर्किंग है विप्रो में. ये सब क्या है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, राइट, जायंट्स हैं हमारी कंट्री के. हम आज की तारीख में सर्विसेज जो है मेजर एक्सपोर्टर है पूरे वर्ल्ड में सर्विसेज के, ठीक है. तो इसका भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाटा दिया है कि देखो इकोनॉमिक सर्वे जो बताता है कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम सर्विसेज में, कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, नेट सर्विसेज का कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नेट सर्विसेज पॉजिटिव. तो दोस्तों हम क्योंकि पूरे वर्ल्ड ओवर में सर्विसेज ज्यादा बेच रहे हैं बजाय खरीदने के, इस कारण से ही हम इसमें पॉजिटिव है, ठीक है. और ये सर्विसेज किसका कॉम्पोनेंट है, इस इनविजिबल का. अब आप कभी नहीं भूलोगे. इन जो सेकेंड पार्ट है वो आता है इनकम. अब ये इनकम क्या है, और इनकम है भी तो ये तो नेगेटिव में चली गई. कैसे दोस्तों, इनकम का मतलब यहां पे है कि जैसे जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो, ठीक है, जो आप प्रॉफिट्स दे रहे हो या फिर जो आप डिविडेंड्स है वो दे रहे हो. अब ये तीन चीजें क्या है और ये इनकम क्या है, बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूं. जो भी आपके यहां पे इनकम बाहर जाएगी, ठीक है, उसको आपने यहां पे तीन कंपोनेंट में डिवाइड किया है. जैसे मान लो किसी फॉरेन के व्यक्ति ने आपको लोन दिया हुआ है, ठीक है. अब लोन जो दिया हुआ है, आपका सवाल होगा यार लोन तो लिखा नहीं है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है. जब मैं आपको कैपिटल अकाउंट पढ़ाऊंगा ना तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी ट्रिकी चीज है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में, कि जब हम लोन लेते हैं किसी कंट्री से, मान लो सऊदी अरेबिया से हमने लोन ले लिया, हमारे देश ने, मोदी जी गए बोले यार लोन दे दो, जरूरत है, स्वच्छ भारत मिशन को सक्सेसफुल बनाना है, हमने लोन ले लिया, ठीक है. जब लोन लेते हैं तो ये आता है कैपिटल अकाउंट में, ठीक है. मगर जब यही लोन जो हमने सऊदी अरेबिया से लिया, इसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा क्योंकि कर्ज है. जो ये इंटरेस्ट पे करते हैं ना, ये आता है इनविजिबल वाले पार्ट में, मतलब कि करंट अकाउंट में, ठीक है. तो ये वो वाला इंटरेस्ट है. अब क्योंकि हम लोन ज्यादा लेते हैं बजाय देने के, तो ये चीज क्या आ गई, नेगेटिव, क्योंकि इंटरेस्ट हम ज्यादा पे करते हैं तो इंटरेस्ट नेगेटिव हो गया. चलिए दूसरा, प्रॉफिट्स. बाहर के लोग हमारे देश में आके ज्यादा प्रॉफिट कमा के ले जाते हैं या हमारे लोग बाहर ज्यादा काम करके प्रॉफिट कमा के लाते हैं, बताओ. ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि दोस्त देखो हमारे यहां पे जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनसे ये लोग ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम तो डेवलपिंग कंट्री, हम उनसे जाके थोड़ी कंपीट कर सकते हैं, मगर दे कैन एंड दे आर कंपीटिंग इन आर कंट्री, तो ये प्रॉफिट्स ले जाते हैं, इसलिए नेगेटिव टोटल. वैसे डिविडेंड्स क्या होता है, बेसिकली मान लो जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उसने हमारे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करा. अब इन्वेस्ट करा तो हम जानते हैं जब किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करता है, हम भी जब इन्वेस्ट करते हैं हमारे शेयर मार्केट में, और अगर शेयर के प्राइसेस बढ़ते हैं तो मुकेश अंबानी जाते हैं ना कि वाह यार मेरे सारे शेयर होल्डर को मैं आज से डिविडेंड दूंगा, ठीक है. डिविडेंड पे एक चीज याद आई, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इस पर बात करेंगे अगले लेक्चर में, ध्यान रखिएगा. डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आप जरूर पढ़ना. तो डिविडेंड क्या होता है, बेसिकली प्रॉफिट का जो रीइन्वेस्ट करने के बाद में पैसा बच जाता है, कंपनी क्या करती है उसको डिविडेंड बांट देती है अपने सारे शेयर होल्डर्स के बीच में. तो ये डिविडेंड जो है ये हमारी कंट्री में ज्यादा आता है या ज्यादा देना पड़ता है, तो हमने देखा है ज्यादा देना पड़ता है बाहर के लोगों को जो हमारे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो ये भी नेगेटिव में आता है. तो ये बेसिकली इनकम सारे नेगेटिव है, इसको पूरा नेगेटिव बना देता है, ठीक है. फिर बात करते हैं ट्रांसफर की. ट्रांसफर बहुत अच्छी चीज है. ट्रांसफर अच्छी चीज इसलिए है, ये आता है रेमिटेंस. आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों कि इंडिया इज द लार्जेस्ट रिसीविंग रेमिटेंस कंट्री इन द होल वर्ल्ड. रेमिटेंसेस क्या होते हैं, जैसे मान लो सऊदी अरेबिया में हमारे लोग बहुत काम करते हैं, ठीक है, यूएई में काम करते हैं, वहां से पैसा भेजते हैं, ठीक है, वहां से जब ये पैसा भेजेंगे इसको बोलते हैं रेमिटेंस. इसीलिए इंडिया हाईएस्ट रिसीविंग रेमिटेंस कंट्री है और इसी कारण से ये पॉजिटिव में लिखा हुआ है. तो अब आपको समझ में आया बीओपी डेफिनेशन, करंट अकाउंट, विजिबल इनविजिबल. विजिबल में भी नेगेटिव, मैंने बताया क्यों. इनविजिबल के तीन पार्ट, सर्विसेज इनकम ट्रांसफर, कैसे सर्विसेज में पॉजिटिव है, इनकम में नेगेटिव है और ट्रांसफर में पॉजिटिव है. एरर्स और ओमिशंस तो आप कभी भूलोगे ही नहीं. इस तरीके से आपने अभी तक दो चीजें पढ़ ली हैं, ठीक है. और अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है फॉरेक्स चेंजेस.
मगर फॉरेक्स चेंजेस से पहले, क्योंकि मैंने आपको अभी करंट अकाउंट पढ़ाया है, तो पहले चलते हैं कैपिटल अकाउंट पे ताकि आप कंपेयर कर पाओ। अब जैसे दोस्त हमने करंट अकाउंट जो कि शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन होता है, कैपिटल उसका उल्टा लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन, तो कैपिटल अकाउंट के भी कुछ ना कुछ कंपोनेंट होंगे, बिल्कुल है, तो वो पढ़ते हैं। सबसे पहला, जब हमारे यहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, देखो जैसे लोन आ रहा था तो इंटरेस्ट क्या था यहां पे, जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो यहां डिविडेंड और ये सब कहां से जाएंगे, प्रॉफिट्स, वो यहां से, ठीक है, ये एक ट्रिक चीज थी। तो कैपिटल अकाउंट पे सबसे पहला कंपोनेंट जो है वो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट ध्यान से सोचो एक मिनट दिमाग लगा के कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हमारे यहां पे ज्यादा पैसा लगाते हैं या हमारे लोग बाहर में जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ज्यादा पैसा लगाते हैं, लगाया कभी आपने, आपके किसी फ्रेंड ने नहीं लगाया होगा, ठीक है। बाहर के लोग हमारे यहां ज्यादा पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में, इसी के बाद एफडीआई में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है उसमें भी हमारे यहां पे ज्यादा पैसा लगाते हैं, ठीक है। बाहर की कंपनियां मर्सिडीज वोल्सवेगन हमारे यहां काम करती है, राइट, तो हमको देखने को मिला कि बाहर से ज्यादा पैसा आता है बोथ इन द एफडीआई एंड एफआई, ठीक है। इसके बाद में अब ये एडीआर और जीडीआर क्या है, इस पे मैं अलग लेक्चर बनाऊंगा, एक शॉर्ट में समझा देता हूं। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, बेसिकली यूरोप के अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो अमेरिका के, तो ये उसमें आता है, ठीक है। तो दोस्तों इसको तो अभी भूल जाते हैं, सिर्फ एफडीआई और एफआई पे हम फोकस करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहां पे ज्यादा आता है, ठीक है, ओवरऑल ये चीज जो है पॉजिटिव हो जाती है इस कारण से। एफडीआई और एफआई मैं ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छा वीडियो बना चुका हूं, आई होप आपने देख लिया होगा, अगर नहीं तो नीचे इंडियन इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो विजिट कर सकते हैं, जहां पे मैंने बहुत इलेबोरेटली समझाया है एफडीआई और एफआई में क्या डिफरेंस होता है। इसी के साथ साथ एक और छोटा डिफरेंस जल्दी से क्विक वे में बता देता हूं कि किसी भी अगर अनलिस्टेड कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ध्यान से सुनना, अरविंद मायाराम पैनल ने एफडीआई और एफआई में डिफरेंस बताया था, मैं वो बता रहा हूं कि अगर कोई भी अनलिस्टेड कंपनी में, कोई भी अनलिस्टेड कंपनी में अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट होता है तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। कोई भी अनलिस्टेड कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, या फिर अगर किसी भी लिस्टेड कंपनी में, किसी भी लिस्टेड कंपनी में 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है तो अगेन वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। अब आपका सवाल आएगा अगर लिस्टेड कंपनी में 10% से कम हुआ तो वो एफआईआई कहलाता है, ठीक है। ये होता है अरविंद मायाराम पैनल ने बताया था एफडीआई और एफआईआई का डिफरेंस, ओवरऑल पॉजिटिव होता है, दैट मेक्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट विच इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल अकाउंट पॉजिटिव, ठीक है। जब तीनों पढ़ लेंगे तो आप समझ जाओगे कि ये पॉजिटिव क्यों आता है कैपिटल अकाउंट। तो चलो और उसके बाद फॉरेक्स रिजर्व देखेंगे। देखो अब दूसरा कंपोनेंट जो है दोस्तों वो है लोन्स। लोन्स अभी बताया था, जब इंटरेस्ट बता रहा था, लोन्स हम ज्यादा लेते हैं या ज्यादा देते हैं, देते हैं बांग्लादेश नेपाल भूटान थोड़ा थोड़ा सा दे देते हैं कि चलो $2 बिलियन ले लो, हम लेते कितना है 20-20, 40-40 बिलियन डॉलर, ठीक है। तो लोन ज्यादा लेते हैं हम। अब लोन कौन लेता है? लोन दो तरीके के होते हैं, या तो सरकार कर्ज ले ले, सॉवरेन लोन जिसको बोलते हैं, ठीक है, हमारी सरकार भी ज्यादा लोन लेती है, या हमारे कमर्शियल मतलब कंपनीज लोन ले लें, मुकेश अंबानी विजय माल्या जैसे लोग लोन ले लें, ठीक है। तो कमर्शियल लोन किस तरीके से होता है? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का भी हम नेक्स्ट लेक्चर में, अलग लेक्चर में डील करेंगे, क्या होता है, इसके क्या पैरामीटर्स हैं, कितना मैच्योरिटी पीरियड रहता है, क्या एडवांटेजेस हैं, जैसे हमारी एनबीएफसीज और स्केड्यूल कमर्शियल बैंक जब कमर्शियल कंपनीज को लोन नहीं ले पाती तो क्या होता है, बहुत आसान शर्तों में और बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे, मतलब थोड़े कम इंटरेस्ट रेट पे हमारे जो कमर्शियल कंपनीज हैं, ठीक है, वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के थ्रू बाहर लोन ले लेती है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का एक बहुत अच्छा एडवांटेज है, वो सुन लो यहां पे जल्दी से, कि जैसे दोस्तों क्या होता है, मान लो जो यहां पे एग्जांपल दिया था, इंडिया ने मान लो कि यूएस से कि कोई चीज खरीदी, कोई एक मशीन खरीदी, मुकेश अंबानी का एग्जांपल लेते हैं, मुकेश अंबानी जी ने एक मशीन खरीदी, ठीक है। अब उस मशीन को कहां से खरीदा? यूएस से। तो यूएस को पे किसमें करोगे? डॉलर या रुपी में? डॉलर में। तो अच्छा ये नहीं होगा कि वहीं की वहीं लोन लेके, अगर लोन लेना ही है तो डॉलर की टर्म्स में पे कर दें। इस कारण से एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग को यूज किया जाता है, ठीक है। अभी सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं। तो सॉवरिन लोन, हमारी सरकार भी ज्यादा लोन लेती है बजाय देने के, तो पॉजिटिव। कमर्शियल लोन, हमारी कंपनी ज्यादा लोन लेती है बाहर से, तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग इसमें भी पॉजिटिव। बायलेटरल और मल्टीलेटरल, मल्टीलेटरल बेसिकली मान लो हमने आईएमएफ से लोन ले लिया, ठीक है, हमने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। इसके बाद में जो हमारी एनडीबी है, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, आपको आई होप पता होगा, इस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं, ब्रिक्स जब पढ़ रहे थे आई होप आपने वीडियो देखा होगा, अगर नहीं तो नीचे जाके आप जरूर देखिए, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में,
ठीक है, तो इन तरीके से जब हम लोन लेते हैं या फिर किसी बायलैटरल तरीके से लोन लेने, किसी कंट्री से लोन लेने, ये सारी तरीके से लोन लेते हैं हम, ठीक है, ये टोटल हमारा पॉजिटिव आता है। अब दोस्तों बैंकिंग कैपिटल के बारे में पढ़ते हैं जो कि थर्ड कंपोनेंट है, समझ में आ रहा है ना। कैपिटल अकाउंट के तीन कंपोनेंट थे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो कि पॉजिटिव आया, लोन्स जो कि अगेन पॉजिटिव आया, अब बैंकिंग कैपिटल बहुत आसान है, एक लाइन का है, जो एनआरआई हमारे यहां पर डिपॉजिट करते हैं, ज्यादा डिपॉजिट करते हैं तो ये पॉजिटिव। फॉरेन बैंक डिपॉजिट, फॉरेन की बैंक हमारे यहां कुछ डिपॉजिट रखती है, उनके कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इस तरीके के होते हैं कि उनको कुछ पैसा रखना पड़ता है, ठीक है, तो ये समझ लो कि ये भी पॉजिटिव होता है। इन ऑल दिस मेक्स दिस पॉजिटिव, यहां पे साइन इसलिए नहीं क्योंकि वेरी होता रहता है, ठीक है, एकदम वॉलेटाइल चीज है, मगर ओवरऑल हमारा कैपिटल अकाउंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है और हमारा करंट अकाउंट जो है वो हमेशा डेफिसिट ही रहता है, ठीक है। एक दो बार के बाद जैसे 2007 में करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस चला गया था, कुछ वहां की एक्स्ट्राजीनियस सिचुएशंस थी वो डिस्कस नहीं करेंगे, जो हमेशा जनरलाइज चीज है उस पर बात किया जाता है, एक्सेप्शन पर बात नहीं की जाती। करंट अकाउंट हमेशा डेफिसिट रहता है, कैपिटल अकाउंट हमेशा सरप्लस रहता है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट, अब आपको समझ में आएगा कि कैसे फॉरेक्स चेंज काम करता है, क्यों, देख वापिस आते हैं, स्टार्ट करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन देखी, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट देखा, करंट अकाउंट के विजिबल इनविजिबल पढ़े, एरर्स एंड ओमिशंस तो सबसे पहले पढ़ ही लिया था, कैपिटल अकाउंट अभी पढ़ा। अब दोस्तों बात करेंगे कि कैसे करंट अकाउंट का जो ये डेफिसिट है ना, इस डेफिसिट को भरा जाता है कैपिटल अकाउंट से, ठीक है। मतलब कैसा होता है कि जैसे देख लो कि हम दो दोस्त हैं, ठीक है, किसी के पास कम पैसा है, किसी के पास बहुत ज्यादा है, तो हम हेल्प आउट करते हैं ना कि ठीक है यार दोस्त मेरे पास ज्यादा है तू ले ले, ठीक है, वैसे होता नहीं है बाकी कर सकते हैं। तो बेसिकली कैसा होता है, कैपिटल अकाउंट के पास दो दोस्त हैं बहुत अच्छे, कैपिटल अकाउंट के पास बहुत ज्यादा पैसा है, करंट अकाउंट के पास बहुत कम पैसा है, इनइक्वालिटी देख रहे हो, तो कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट को पैसा दे देगा, ठीक है, और इस तरीके से दोनों साथ साथ रहेंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि कैपिटल अकाउंट के पास भी इतना पैसा ना हो कि उसकी पूरी भरपाई कर पाए, दैट मीन कि करंट अकाउंट में जितना ज्यादा डेफिसिट है, मान लो इसको जरूरत है 100 रुपए की, ठीक है, और हमारे कैपिटल अकाउंट जो है इन भाई साहब के पास है सिर्फ 50 रुपए, तो ये तो 50 रुपए की हेल्प कर पाएगा ना एडिशन, ठीक है, उसके बाद तो इसको भी पैसे लेने पड़ेंगे कहीं से, तो एक ही बात है, फिर ये पैसे ले चाहे ये पैसे ले, तो 50 रुपए की हेल्प कर देगा, मगर यहां पे भी क्या डेफिसिट कम होगा, नहीं होगा, 50 रुपए अभी भी जरूरत लग रही है इसको, तो क्या करें। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब फॉरेक्स जो हमारा रिजर्व रहता है उसमें से पैसे निकालेंगे। तो देखो अब पढ़ना पड़ेगा आपको कि फॉरेक्स क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व पढ़ते हो आप, ये क्या होता है। इसमें आता है आपका गोल्ड, इसमें आपका आता है रिजर्व जो आपने पैसे जमा कर रखे इन डॉलर टर्म्स हमारी आरबीआई ने, इसमें आता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, इसमें आता है रिजर्व ट्रेंच, बहुत टफ दिख रहा है ना एसडीआर रिजर्व ट्रेंच क्या, बहुत ही आसान है। एसडीआर होता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, जो कि आईएमएफ में आपने मेंबरशिप ली है तो आपको कुछ परसेंटेज वो एसडीआर राइट्स देते हैं कि इतना पैसा जब भी आप चाहोगे हम आपको देंगे कुछ कंडीशंस पे। तो फिर रिजर्व ट्रेंच क्या होता है, रिजर्व ट्रेंच बेसिकली जनरल टर्म्स में ऐसा समझ लो कि 25% होता है एसडीआर का, जिस पैसे को रिजर्व ट्रेंच वो पैसा है जिस पैसे को आप बिना आईएमएफ की मंजूरी के कभी भी निकाल सकते हो, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सब मिलके बनाते हैं आपका फॉरेक्स रिजर्व। अब फॉरेक्स रिजर्व क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कैपिटल अकाउंट भी अगर फेल हो जाए करंट अकाउंट डेफिसिट की भरपाई करने में तो पैसा कहां से जाएगा, फॉरेक्स रिजर्व से, ठीक है, तो फॉरेक्स चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि या तो पैसा जा रहा है या आ रहा है। अच्छा आ भी सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है, कैसे, मान लो दूसरा एग्जांपल हो जाए, जैसे मैंने अभी 100 लिया था, मान लो इसका डेफिसिट 50 रुपए ही है, ठीक है, और कैपिटल अकाउंट में सरप्लस हो गया अब 100 रुपए, तो देखो क्या होगा, ये जो 100 रुपए है इसमें से 50 रुपए इसको दे देगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, न्यूट्रल 0-0, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट के पास तो 50 रुपए बच गए, तो इसका क्या करें, तो इसका एडवांटेज उठाता है आरबीआई, क्यों, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज मेंटेन्ड बाय द आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हर कंट्री की सेंट्रल बैंक बैलेंस ऑफ पेमेंट का ट्रांजैक्शंस जो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है वो मेंटेन करती है। अब कैपिटल अकाउंट के पास में 50 रुपए बच गए, ये 50 रुपए आरबीआई ले लेता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये क्यों लेता है या जब कम पड़ जाता है तो क्यों फॉरेक्स रिजर्व से पैसा देता है, ठीक है। देखो बात करते हैं नेट पॉजिटिव चेंज की, नेट पॉजिटिव चेंज कब आएगा, जो मैंने अभी कंडीशन बताई, करंट अकाउंट के पास 100 रुपए और डेफिसिट में सिर्फ 50 रुपए की जरूरत थी,
तो मतलब क्या हुआ, करंट अकाउंट का जो सरप्लस है, करंट अकाउंट का जो सरप्लस है ये ज्यादा है, इज मोर देन करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट का जो सरप्लस है वो करंट अकाउंट डेफिसिट से ज्यादा है, मतलब इसका सरप्लस, इसके पास ज्यादा पैसे हैं बजाय जितनी इसको कमी है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बोलने जा रहा हूं मैं। करंट अकाउंट में जब भी सरप्लस आ जाएगा तो इससे आप एक चीज समझ सकते हो कि आपने ज्यादा कमाई कर ली, ज्यादा कमाई कर ली इसका मतलब ज्यादा डॉलर आ गए, डॉलर की लिक्विडिटी, एक तरीके से जनरल टर्म में समझो डॉलर ज्यादा आ गए, डॉलर की लिक्विडिटी बढ़ गई। अब जब डॉलर ज्यादा आ गए दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोई भी चीज अगर मार्केट में ज्यादा हो जाती है, ठीक है, इनफैक्ट आपके पास अगर कोई चीज ज्यादा हो जाएगी ना, जिस दिन पैसे ज्यादा हो गए तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, वैसे यहां पे भी चलता है इकोनॉमी में। जब डॉलर ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि करंट अकाउंट सरप्लस ज्यादा हो गया है और टोटल पॉजिटिव हो रहा है, कैपिटल और करंट को मिला रहे हैं तो भी पैसा बच रहा है, अब क्या करें, तो डॉलर बढ़ गया, इसका मतलब जैसे ही डॉलर बढ़ा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जैसे ही उसकी वैल्यू कम, मैं बोल रहा हूं तो किसी के रिस्पेक्ट में कम बोल रहा हूं ना, जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं तेज भाग रहा हूं तो किसी से तेज भाग रहा हूं, ऐसे थोड़ी तेज भाग रहा हूं, किसी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यही बोलते थे न्यूटन साहब। तो दोस्तों क्या हुआ, डॉलर बढ़ गए, अब डॉलर जैसे ही बढ़ा तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। इसकी वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में कम हो गई, रुपए के टर्म में। इसका मतलब डॉलर की वैल्यू कम होना मतलब रुपए का एप्रिशिएट होना। रुपए का एप्रिशिएट होने का क्या मतलब होता है, मान लो कि पहले एक डॉलर में 70 रुपए आ जाते थे, ठीक है, अब एक डॉलर बराबर हो जाएगा 60 रुपए या 50 या 40, ये होता है रुपए का एप्रिसिएशन। और वहीं अगर मैं डेप्रिसिएशन बोलूं तो मान लो 70 था, फिर 80 हो जाए, 90 हो जाए एक डॉलर मुकाबले, तो ये होता है डेप्रिसिएशन। तो ध्यान रखना, कैपिटल अकाउंट सरप्लस जब भी ज्यादा हो जाएगा करंट अकाउंट डेफिसिट से, डॉलर ज्यादा हो जाएंगे, डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी, किसके रिस्पेक्ट में कम हो जाएगी, रुपए, मतलब रुपए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्रिशिएट हो जाएगी। ऐसी कोई भी कंडीशन को आरबीआई नहीं करने देता है, ना एप्रिसिएशन ना डेप्रिसिएशन। तो अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि करंट अकाउंट सरप्लस जो है अगर वो करंट अकाउंट डेफिसिट से कम हो जाए, मतलब यहां 50 और यहां 100 ले लो, तो उस कंडीशन में आपकी जो रुपए की वैल्यू है वो एप्रिशिएट होगी या डेप्रिशिएट होगी। ऐसी चीज लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि डॉलर कम होगा या ज्यादा होगा, रुपी डेप्रिशिएट होगा या कम एप्रिशिएट होगा। और इस तरीके से या तो फॉरेक्स से रिजर्व में से पैसा जाएगा तो भी फॉरेक्स चेंज होगा, या फॉरेक्स में पैसा आएगा तो भी चेंज होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये मैंने आपको सारे कंपोनेंट्स बता दिए, इसके साथ कंक्लूड करते हुए आखिरी करंट अकाउंट डेफिसिट पे, क्योंकि बहुत लंबी बात कर ली मैंने, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरे टाइमलाइन दिए कि करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे हम मेंटेन कर रहे हैं और आज हम कहां खड़े हैं। मैं आपको बताता हूं दोस्त कि क्यों करंट अकाउंट डेफिसिट को हम नहीं रोक पाते और करंट अकाउंट डेफिसिट हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसी कारण से हमेशा डेफिसिट रहता है। सवाल आ रहा होगा ना आपके दिमाग में कि क्यों ऐसा होता है यार कि कैपिटल अकाउंट सरप्लस और करंट अकाउंट का हम डेफिसिट कम ही नहीं कर पा रहे, इतने कमजोर है क्या? नहीं, क्योंकि हमारी जरूरतें ऐसी हैं कि हम करंट अकाउंट को डेफिसिट में रखना पड़ता है। जैसे ऑयल डिपेंडेंस, हम पूरा ऑयल इंपोर्ट करते हैं, हम मतलब मेजोरिटी ऑयल इंपोर्ट करते हैं ना, ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर सकते हैं क्या? इकोनॉमी रुक जाएगी, करना ही पड़ेगा भले किसी भाव मिले। आज 100 रुपए है तो भी खरीदेंगे, कल 1000 रुपए है तो भी खरीदेंगे, ऑयल डिपेंडेंस। फिर गोल्ड इंपोर्ट, गोल्ड इंपोर्ट हमारा कल्चरल एस्पेक्ट है, गोल्ड से हमारे लोगों का बहुत अटैचमेंट, हम बहुत गोल्ड खरीदते हैं, पैसा बाहर जाएगा डेबिट होगा, करंट अकाउंट में आएगा, ठीक है, इसमें डेफिसिट। हमारे यहां एक्सपोर्ट की जो ग्रोथ है वो बहुत कम है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट वी इंपोर्ट। एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट ग्रोथ कम है, मतलब एक्सपोर्ट कम करते हैं तो पैसा ज्यादा आएगा जाएगा, पैसा ज्यादा जाएगा, अगेन करंट अकाउंट डेफिसिट। इन सब कारणों से हमारे यहां पे डेफिसिट रहता है। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट हमेशा प्रयासरत रहती है, फॉर एग्जांपल वी हैव इंट्रोड्यूस सर्टेन स्कीम्स, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम टू कर्ब द इंपोर्ट ऑफ द गोल्ड, राइट। उसी के बाद में वी आर टोटली फोकसिंग बाय द स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया टू इंक्रीज आर एक्सपोर्ट ग्रोथ, राइट, टू कर्टेल दिस डेफिसिट इन द करंट अकाउंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑल इट्स कंपोनेंट्स, एरर्स एंड ओमिशंस, फॉरेक्स चेंजेस। आई होप
मैं आपको बहुत सी चीजें डिलीवर करने में कामयाब हुआ हूंगा. अगर हां तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, एज इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोस फॉर यू. इन द एंड कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर हियरिंग अस.